साथियों जय हिंद नमस्कार। देखिए आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरी देखना तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC 2018 के बारे में। तो अगर आप लोग SSC 2018 की सकल लिस्टिंग तैयार कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आप लोग ना कभी सुने होंगे ना कभी सतु आपने कहीं देखा होगा। तो सकल लिस्ट का आपका अपडेट क्या है, क्या तो सच में आपकी जो सकल लिस्ट है वो जारी होगी, अगर सकल लिस्ट जारी होगी तो किस बच्चे का सकल लिस्ट में सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्या कोई ऑफिशियल नोटिस जारी की गई या नहीं की गई है, तो कोर्ट का अपडेट क्या है, कोर्ट जो आपका केस चल रहा था उसका स्टेटस क्या है, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सदो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको SSC जुड़ी भर्ती जुड़ी हर एक अपडेट आप सदो अब तक पहुँचती रहे। तो आप लोग पता है कि जब SSC भर्ती 2018 की वैकेंसी आई थी उस समय इसके जो पद थे लगभग 55,000 के आसपास इसकी वैकेंसी आई थी, और उसके बाद ये वैकेंसी जो है इसकी इंक्रीज होकर 62,000 प्लस इसमें पोस्ट हो गई थी, ये जानकारी आपको होगी। उसके बाद सदो आपका सारा प्रोसेस एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद मेडिकल की सदो 1,00,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था मतलब कि 1,00,000 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया था और 100 बच्चों को पास भी किया गया था, लेकिन जब आपको फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था सिर्फ लगभग 55,000 बच्चों का लगभग डाटा ये है, लगभग 55,000 बच्चों पर लगती मतलब कि फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था और उनको सदो ज्वाइनिंग दी गई थी। अब बच्चे यहीं पर सदो बच्चों आक्रोशित हो गए और वो आंदोलन भी करने लगे और बहुत दिनों तक केस चला, केस की सुनवाई हुई, लेकिन अभी सतो आपको जो परिणाम है वो 0 होना था परिणाम है, ठीक है। मतलब कि अभी सतो आपको कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये है सतो दिल्ली की कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पर आप लोग देखोगे कि जो केस है वो दिल्ली कोर्ट में आपका चल रहा है। तो आपको जो कांस्टेबल का मतलब कि GD का 630 डायरी नंबर है और 23 है, तो डिस्प्ले पर आप लोग क्लिक करोगे तो जो आपका केस का स्टेटस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, ये पूरा जो केस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो लास्ट सुनवाई थी आपकी वो थी 3 मई 2024, ठीक है, 3 मई 2024 से 3/5/2024 इसकी लास्ट सुनवाई थी, और ये केस जो है बच्चे कह रहे बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन तो मेरे हिसाब से तो ये केस जो है वो बंद हुआ नहीं है, मेरी उम्मीद से तो ये केस जो है रीओपन होने के उम्मीद पे है, ठीक है। और ये केस जो है लगभग जुलाई के अंत तक रीओपन होने वाला है, और तो जैसे ही ये केस रीओपन होगा उसके बाद इसकी सुनवाई फिर से होगी, और हो सकता है उम्मीद है सेकंड लिस्ट जो है बच्चों की 4-5 हज़ार बच्चों की वो जारी कर दी जाए। लेकिन सर तो आप लोग अगर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी अच्छी तैयारी करना, अगर आपको SSC भर्ती 2015 में 2018 में सिलेक्शन होना होगा, सेकंड लिस्ट आनी होगी तो सेकंड लिस्ट आ जाएगी, अगर आपका नाम आएगा तो आप लोग उसमें चले जाना, ठीक है। इसको लेके मत बैठना, आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, इससे बढ़िया एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और अपनी जो नौकरी है पक्की करिए, ठीक है। तो अब तो ये है कि आप लोग ये नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सतो इसमें कुछ भी सतो नहीं रखा है, ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहना, अगर सेकंड लिस्ट जैसे आपकी जारी होगी आपको पल पल के अपडेट जो है मैं देता रहूँगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो देखिए तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट का जो मामला है, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, देखिए सेकंड लिस्ट आने का जो है कोर्ट पर पूरा मामला है, ठीक है। तो जैसे कोर्ट का आदेश आएगा फाइनल आदेश, उसको हमको मानना पड़ेगा, और इसका एक मामला ये भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, उसका भी स्टेटस मैं कल वीडियो ला के बताऊँगा कि उसमें क्या है और उसमें क्या आर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो सभी चीज़ें आपको उस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो की लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।